गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लोडिंग लाफ। और मैं हूं अमृत श्रीवास्तव। और मैं हूं अंकित कटियार। और आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि लैब्राडोर रिट्रीवर आपके लिए परफेक्ट डॉग क्यों है, और ये फर्स्ट डॉग एज अ फर्स्ट डॉग आपके लिए बहुत ही अच्छा डॉग है। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें स्पेशलिटी है जो कि आपके लिए फर्स्ट डॉग होने के काबिल है। आप इसको लेने के बाद बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। ये कोई आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा बनने वाला है, ऐसा कोई डॉग नहीं। तो आज हम लोग स्पेशलिटी बताने वाले हैं कि ऐसे रीजन Why should we take Labrador Retriever as our first dog? तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये डॉग्स लेब्राडोर बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। अगर आपके घर में चिल्ड्रंस हैं तो ये उन लोग के साथ चिल्ड्रंस के साथ घुल मिल के रहते हैं, और आपके चिल्ड्रंस को कोई भी खतरा नहीं है इन डॉग्स के साथ। ये डॉग्स बिल्कुल ही चिल्ड्रंस जैसे ही बिहेव करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो है, ये डॉग्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। या आप किसी भी एटमॉस्फेयर में रखो उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आप इन लोगों को स्कूटी में घुमाओगे तो ये लोग स्कूटी में घूमते हैं। अगर आप इन लोगों को कार में डालोगे तो कार में घूमते हैं। आप घर पे ये लोग पॉटी भी नहीं करते हैं। अगर आप एक बार इनको सिखा दो कि ये लोग बाहर हैं तो बाहर करनी है इनको, तो ये वहीं करेंगे, होल्ड करके रखेंगे जब तक आप इन लोगों को बाहर नहीं निकालोगे। तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, और ये आपके इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। आपको समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो। लाइक अभी आप देख सकते हो, इसको पता है इसको क्या करना है, ये अभी बैठी हुई है यहीं पे। तो ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डॉग होते हैं। थर्ड पॉइंट है, लैब्राडोर की डाइट बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ये घर के खाने से लेकर के आप लोग डॉग फूड और रॉयल कैनिन कुछ भी दे सकते हैं। ये घर के खाने से भी बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं, और आपकी फैमिली के हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं। और जो हम लोग का फोर्थ पॉइंट है वो है कि ये लोग कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इंडिया में लैब्राडोर बहुत ही ज्यादा सही प्राइस में मिल जाते हैं आपको, 4-5K के अराउंड मिल जाएंगे, 4-5, 6-7। तो आपको किसी भी कॉस्ट पे बहुत अच्छे से लैब्राडोर मिल सकते हैं। बाकी डॉग के कंपैरिजन में ये काफी सस्ते हैं इंडिया में, तो आप लोग इनको जरूर बाय कर सकते हो। देख रहे हो आप कितने स्वीट है, आप कुछ भी करो, आई लव विनी। तो हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है ये है कि ये लोग सोशलाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप कोई भी डॉग्स हो, अगर आपके पास कोई दूसरा डॉग हो या फिर आपके पास फैमिलियर, क्योंकि अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छी तरीके से सोशलाइज करेंगे इंसानों के साथ, सोशलाइज करेंगे। और आपके नेबर्स में अगर कोई नया बंदा आएगा तो उस पर ये लोग सोशलाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग जरूर लैब्राडोर परचेज करें, ले, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो विनी के लिए यार प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे हम लोग बहुत सारे डॉग्स के भी रिव्यू देंगे और अपने पिटबुल के बारे में भी बताऊंगा मैं। सो ओवर एंड आउट, पीस।